आप सबको समझे सर सोनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में मैं क्लास टेंथ का भी मैथ का VBI क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना बनी रहेगी उस क्वेश्चन को बना रहा हूं। क्लास टेंथ के बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें और डिफरेंट ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कह रहा है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं मॉडल पेपर से VBI क्वेश्चन बता रहा हूँ। कह रहा है क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, 6 मीटर ऊंचे खंभे, 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2 रूट 3 मीटर लंबा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो देखो सभी विद्यार्थी क्या कर रहा है, 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2 रूट 3 मीटर है, लंबा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखो बाबू ध्यान देना, जैसे देखो यहां पे एक खंभा है, ठीक, ये खंभा है। अब ये खंभा यहां से ये छाया बन रहा है, ये खंभे का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, खंभे का, समझे कि नहीं। अब ये छाया की लंबाई कितनी है, 2 रूट 3 मीटर, यानी देखिए इसकी जो छाया बनेगी, जैसे इधर से बनेगा तो छाया इधर बनेगा, तो छाया की पृथ्वी से जो लंबाई है वो 2 रूट 3 मीटर है, और उसके बाद खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है, कितना, 6 मीटर है। तो कहता है कि आप ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए कहता है, ये जो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, ए बी और सी ले लीजिए। तो सबसे पहले ए बी जो हो गया वो खंभे की लंबाई, तो ध्यान दीजिएगा, ए बी खंभे की लंबाई, ए बी खंभे की लंबाई, ध्यान दीजिएगा प्लीज, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे नहीं देखना चाहिए इसको, चलिए प्लीज उसको हटाइए, ध्यान दीजिएगा, ए बी खंभे की लंबाई बता रहे बाबू, जैसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी खंभे की लंबाई प्लीज, हम दूसरा चेंज कर लीजिए, दूसरी से देखिए ना, आप मेरा बात ना नहीं लीजिए, आप कमेंट कीजिएगा ना, हाँ। तो आपका नाम से जाएगा, है स्टूडेंट, वेलकम टू, ठीक, ए बी खंभे की लंबाई 6 मीटर है, ध्यान दीजिएगा, और बी सी जो है वो क्या है आपका, 2 रूट 3, बी सी जो है छाया है, बी सी क्या है, छाया है, तो ध्यान दीजिएगा बी सी का मान कितना है, 2 रूट 3 मीटर है। तो अब देखो बाबू, तो हमको उन्नयन कोण निकालना, इसका मतलब ये कोण मान लो उन्नयन कोण थीटा मान लिए, माना कि उन्नयन कोण थीटा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण आपका क्या है, थीटा। तो सबसे पहले देखिएगा ये क्या है आपका, ये जब कोण लगा तो ये पी बन जाएगा और ये आपका बी बन जाएगा, तो पी बाय बी या पी और बी जो फंसता है वो किस फॉर्मूला में फंसता है, टेन में, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो पी आपका क्या है, ए बी, अब बटे बी, बी का वैल्यू क्या है आपका, बी सी, ध्यान दीजिएगा बी सी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी, ए बी का वैल्यू क्या है, 6 मीटर, और बी सी का वैल्यू क्या है, 2 रूट 3 मीटर। अब देखिएगा मीटर और मीटर कट गया, 2 × 3 = 6, तो टेन थीटा बराबर जो हो गया 3/√3 मीटर,
3/√3 मीटर तो कट गया। अब देखा जाए बाबू तो टेन थीटा बराबर ये 3 है, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 क्योंकि √3 × √3 क्या गया 3, अब बटे क्या है √3। तो अब देखिएगा ये √3 और ये √3 कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर जो हो गया वो √3। तो टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, टेन जो है वो 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर क्या गया 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण क्या माने थे थीटा, इसलिए उन्नयन कोण जो हुआ आपका 60 डिग्री, अर्थात खंभे की जो छाया बन रही है 2√3 मीटर दूरी पर, वहां पर खंभे के शीर्ष से जो उन्नयन कोण बना रहा है वो कितना है आपका, यानी 60 डिग्री। समझ में आई सबको, बताएं सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। कह रहा है क्या, जो कि मैथ के लिए VBI क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 3 सेंटीमीटर वाले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोली बनेगी, कितने गोली बनेगी, ध्यान दीजिएगा कितनी गोली बनेगी। करा ध्यान दीजिए करा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोली बनेगी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या कर रहा है गोला, तो गोला का छोटा रूप गोली ही होता है, वो भी गोला का ही होता है। तो इसी स्थिति में क्या कहेंगे, गोली की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोली की जो संख्या होगी बराबर बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन ध्यान दीजिएगा, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन, तो गोला का जो आयतन होता है आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 πr, बड़ी के लिए बड़ी कीजिए, अब गोल छोटे गोले वो भी तो गोला है, उसका क्या हो जाएगा 4/3 πr³। तो देखो बाबू ये 4/3 4/3 πr और πr कैंसिल, तो अब यहाँ पे जो हो गया r³, एक बड़ी r देखिए, बड़ी आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, छोटी आर का मान कितना है देखो 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या बच गया r³, यानी बड़ी आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब बटे r³, यानी 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो अब यहां देखा जाए इसका मतलब देखो 3 × 3 × 3 ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, फिर देखो ये 1 × 1 × 1 ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सेंटीमीटर क्यू कैंसिल, अब देखिए 3 × 3 = 27, इसका मतलब हो गया 27 गोली, यानी 27 गोली बना सकते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को, यदि 1 सेंटीमीटर गोले वाले का त्रिज्या वाला बनाएंगे, ठीक ना। तो समझ गए होंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप लोग सभी विद्यार्थी, चलिए समझ गए सबों को, चलिए बताएं। कह रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एपी का एनवा पद 7 − 4x है, ठीक ना, किसी एपी का एनवा पद 7 − 4x है, x नहीं होगा, हमको लगता है 7 − 4n होगा, ठीक ना, 7 − 4n है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एपी का सर्व अंतर ज्ञात करें,
सर्व अंतर्ज्ञात करे। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि किसी एपी का जो एनवा पद है वो 7-4n है, तो इसका सर्व अंतर क्या होगा? सर्व अंतर बताएं। तो देखो बाबू, चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है कि tn बराबर 7-4n, tn बराबर क्या दिया? 7-4n। तो देखो बाबू, सबसे पहले n वा पद ये है, इसका मतलब जब t1 करेंगे तो 7-4 × 1 हो जाएगा, तो t1 बराबर 7-4, तो t1 का जो मान होगा 7 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 3। 7 में से 4 घटेगा तो 3। अब देखो t2 निकालो, तो t2 यानी 7-4 × n का मान इस पर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे n की जगह पर 2 बैठा देंगे। देखो 7-4 × 8, तो 7 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा? -1। तो अब ये t2 निकल गया, अब हमको nवा पद निकल d निकालना है, यानी सर्व अंतर। तो d बराबर जो होता है t2 − t1, यानी दूसरा पद घटा पहला पद। तो t2 का मान कितना है? -1, और t1 का मान कितना है? 3। तो देखो -1 और -3 कितना हो गया? -4, अर्थात उसका d का जो मान हो गया वो -4 हो गया। समझ गए होंगे सभी? कोई बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू आप लोग को। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है कि एक आकृति दी है, ध्यान दीजिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दी गई आकृति में यदि LM समांतर PQ कोण BOC बराबर 125 डिग्री तथा कोण CDO बराबर 70 डिग्री, तो कोण DOC तथा कौन DCO क्या होगा? ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए यहां पे कह रहा है क्वेश्चन क्या है, यानी फिगर दिया है परीक्षा में, क्वेश्चन में ये है P और ये Q है, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये है आपका L और ये आपका M है, ये प्रश्न दिया है, ठीक ना, ये चित्र दिया है, ये आपका D है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका C है। इसका जो वैल्यू दिया 125 डिग्री और इसका वैल्यू है 70 डिग्री, तो किसका निकालने का है बाबू? DOC, यहाँ O दे दिया है, ठीक ना, यहाँ पे O दे दिया है, तो DOC इसका मान निकालने का है, ठीक है, इसका मान निकालने का रहा है, और किसका मान? DCO यानी इसका मान निकालने का रहा है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, चलिए सबसे पहले देखिएगा प्रश्न में कह रहा है क्या, प्रश्न में कह रहा है क्या, आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, प्रश्न में कह रहा है कि ये जो है और ये जो है आपस में समांतर है, ठीक ना, ये क्या है बाबू, ये और ये समांतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, तो अब हमको DOC फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहां पे CDO का मान कितना है? CDO का मान 70, और उसका BOC का मान, इसका मान 125, तो इसका मान कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं रैखिक युग्म अभिकृत से ध्यान दीजिएगा, रैखिक युग्म अभिगृहित से क्या होता है कि यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन्न भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो बाबू, ये एक सरल रेखा है, जैसे ये एक सरल रेखा है, अब इस पर एक कोण यहां पे 125 डिग्री है ना, अब इसका निकालना है, तो ये एक रेखा पर ये एक आसन भुजा डाली गई कि नहीं, तो यहां पर जो कोण बन रहा है ये दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, इसलिए कोण DOC जोड़, ध्यान दीजिएगा, यानी कोण DOC और जोड़ कोण BOC
कोण बीओसी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि यदि किसी सरल रेखा पर कोई आसन भुजा या लंब डाली जाए तो इस प्रकार बने कोणों का योग 180 डिग्री है। तो कोण डीओसी जोड़ कोण बीओसी, तो बीओसी का मान कितना है? 125 डिग्री, तो 125 डिग्री कर दिए, बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखो कोण डीओसी बराबर 180 डिग्री, अब ये प्लस है उधर जगह क्या जगह माइनस, माइनस 125 डिग्री, ये प्लस उधर जगह क्या देगा? माइनस 125 डिग्री। अब देखो माइनस कर दो, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ बच गया 7 में से 2 गया 5, यानी 55 डिग्री हो गया, समझे कि नहीं? यानी ध्यान दीजिएगा कोण डीओसी का जो मान हो गया 55 डिग्री, यानी इसका मान निकलेगा 55 डिग्री। अब देखिए हमको निकालना है इसका मान निकालना है, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 55 डिग्री। तो अब डीओसी एक त्रिभुज लगता है कि नहीं? देखिए डीओसी एक त्रिभुज लग रहा है कि नहीं? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि ध्यान दीजिएगा डीओसी एक त्रिभुज है, डीओसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, तीनों कोणों के योग से क्या होता है? ये 180 डिग्री होता है। यानी देखो बाबू कोण डी प्लस, देखो कोण डी ओ सी, डी ओ सी प्लस कौन डी, देखो डी सी ओ, कौन डी सी ओ बराबर कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहां देखिए देखा जाए, देखो कौन डी, कौन डी का मान कितना है? 70 डिग्री, ठीक, जोड़ डी ओ सी, डी ओ सी का मान कितना निकला? 55 डिग्री, और जोड़ क्या है? कौन डी सी ओ, कौन डी सी ओ बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखो 5 हो गया, 7 5 12 125 डिग्री, बराबर जोड़ क्या है? कोण DCO बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखो कोण DCO बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है 180 ये उधर जाएगा, तो 180 डिग्री ध्यान दीजिएगा माइनस कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, यानी क्या हो जाएगा? 180 में 125 घटेगा कितना बचेगा? 55 डिग्री। कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। समझ में आई? तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया? 55 डिग्री। बताए सभी स्टूडेंट्स समझ में आई सबको? चलो बाबू नेक्स्ट देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्या, VVI क्वेश्चन है ये, 10th की, कह रहा है क्या दो अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अब दो अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो देखो बाबू दो अंकों की जो शुरुआत होती है वह 10 से होती है और अंत जो होते हैं 99 पर, क्योंकि देखो 1 और 0 इसमें 2 अंक है और 99 में 9 और 2 अंक है, इसका मतलब 99 के बाद 100 हो जाता है, तो 100 में 3 अंक है। तो अब देखो बाबू, तो यहां जो कहता कि 7 से विभाज्य होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा दो अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है यानी होगा 14, क्योंकि 10 होता है, 10 तो 7 से विभाज्य नहीं होती है, 15 11 12 13 नहीं होता, 14 होता है, 14 फिर 21 होता है, 21 7 28 होता है जो कि 7 से विभाज्य, डॉट 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 अंत में जो होता है वो 98 होता है जो कि 7 से विभाज्य, क्योंकि 14 7 98, वो 98 के बाद क्या हो जाएगा? 105 होगा जो कि 7 से विभाज्य, लेकिन 105 क्या हो जाएगा? वो 3 अंकों की, हमको 2 अंकों का निकालना है, तो इसमें कहता कितनी संख्या है उसको निकालना है। तो सबसे पहले देखो बाबू इसमें ए बराबर कितना है? 14। डी निकाल दो, डी बराबर क्या है? देखो डी बराबर होता है टी टू माइनस टी वन, यानी दूसरा पद घटा पहला पद, तो टी टू का मान कितना है? 21 और टी वन का मान कितना है? 14, तो कितना हो गया? 7। अब यहां देखो टी एन, अंतिम पद को टी एन कहते हैं, अंतिम पद कितना है? 98,
अंतिम पद कितना हो गया 98। अब देखो एक सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मान कितना है 98 बराबर ए, ए का मान कितना है देखो 14 प्लस एन का मान निकालना है हमको एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है 7। अब यहां पे देखो ये प्लस 14 है इधर चलाएगा तो 98 माइनस 14 हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर देखो एन माइनस वन इंटू 7 हो गया। अब देखो 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा, 9 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 8 बराबर कितना हो गया n माइनस वन इंटू 7। अब देखो ये 7 क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा तो n माइनस वन बराबर जो ये 7 भाग लग जाएगा तो 84 बटे क्या होगा 7 तो बरसते 84 12 बार में कट गया तो n माइनस वन बराबर 12 है तो इसलिए एन बराबर 12। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 एन बराबर 13। अतः दो अंकों की ध्यान दीजिएगा दो अंकों की 13 संख्या होगी दो अंकों की 13 संख्या होगी जो कि 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। चलिए समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स बताएं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबों को समझ गए सभी स्टूडेंट्स, चलिए सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है, चलिए वेरी गुड डब्लू। चलिए रजनीश सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। देखो बाबू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है टेन थीटा, बराबर सिद्ध करना क्या टेन थीटा, प्रूव दैट यानी सिद्ध करें कि, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले LHS में जाएंगे, LHS में जाएंगे। देखो बाबू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इग्नोर नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए बाबू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा है LHS में है, ठीक। अब देखो बाबू ऊपर से यहां से साइन थीटा कॉमन ले लो तो साइन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, क्योंकि साइन थीटा गुना 1 तो साइन थीटा गुना 2 साइन स्क्वायर तो 2 साइन क्यू थीटा हो गया। फिर देखो बाबू यहां से कॉस कॉमन ले लो तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए बच गया क्या देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉस थीटा गुना 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस क्यू, कॉस गुना 1 कॉस हो गया। अब यहां देखो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया बटे क्या है देखो कॉस थीटा, अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो बाबू 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2, अब एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे कॉस स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक ना, कॉस स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 1 है, ध्यान देना बाबू। अब देखो साइन थीटा अब इंटू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे फिर क्या है देखो कॉस थीटा, फिर देखो 2 गुने 1 2 हो जाएगा, 2 गुने साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब फिर देखो 1 है माइनस एक कर दिए, ठीक ना। अब देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, अब देखो बाबू 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा। अब देखो ये 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या बच गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बच गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा, प्रूव हो गया। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, चलिए समझ गए, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं बाबू। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, एक वृत्त का परिधि जो है वो 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो बाबू, सबसे पहले देखो, एक वृत्त की परिधि यानी वृत्त के घेरे की कुल लंबाई जो होती है, इसी को परिधि कहते हैं, ठीक ना। तो वृत्त की परिधि क्या है बाबू, ध्यान देना, वृत्त की परिधि जो है आपका क्या, 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर, यानी 2πr का वैल्यू 88 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे देखिए 2 × π, π का मान क्या होता है 22/7, गुने क्या है r, बराबर क्या है 88 सेंटीमीटर। तो अब यह देखो बाबू, 22 × 2 सेंटीमीटर, तो अब देखो 44 × 88, तो आर बटे सात बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो नहीं, कुछ तो नीचे एक होता है, अब एक गुना आर कितना हो गया, आर 7 × 14, 14 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या निकल गई 14 सेंटीमीटर। हमको अब निकालना है क्षेत्रफल, क्या निकालना है, एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, ध्यान देना बाबू, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो बाबू, 22/7 गुने आर, आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ध्यान दो बाबू, 22/7 गुने 14 × 14 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दो बार होगा, 7 × 14। अब देखो 14 × 2 = 28, 28 को 22 से गुना करो, 22 × 8 = 176, 22 × 8 = 176, 176 में से 17 को जोड़ो, 176 और 17 यानी 193 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार गुना कर लीजिए बाबू, 22 × 14 × 28 गुना कर लीजिए आप लोग, ध्यान लीजिएगा, 14 × 28, 28 × 56 का कितना हो गया, 6 × 5 बच गया, 28 × 56 56 और सॉरी गलती हो गया बाबू, 28 × 56 56 × 6 फिर 28 × 56 56 × 5 = 61 616, ठीक है। तो बताए सभी स्टूडेंट, समझ में आई, चले सभी स्टूडेंट समझ में आई आप लोग को, चले ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, ज्ञात करें जो बिंदु −1/7 तथा 4−3 को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा 2:3 में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, ध्यान देना,
देखो बाबू, सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। देखो कह रहा है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो बाबू ध्यान देना, ये मान लो कि एक रेखा ए और बी है, ठीक, और ए का जो नियामक है वो माइनस एक और सात है, ठीक, और बी का जो नियामक है वो चार और माइनस तीन है कोऑर्डिनेट। अब कहता है उस बिंदु को नियामक ज्ञात करें जो कि 2:3 में विभाजित करती है और अंतर विभाजित करती है, तो इसको मान लो x और y है, और तुम जानता है m अनुपात n, तो अंतर विभाजन सूत्र हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतर विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र में x बराबर जो होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन होता है। तो देखो m का मान कितना है, m का मान 2 है, इंटू एक्स टू, देखो ये एक्स वन और वाई वन होता है, ये तुम्हारा एक्स टू और वाई टू होता है, तो 2 m × x2, तो m हुआ 2 और n हो गया 3, तो 2 × 4 प्लस फिर n इंटू एक्स वन, एन का मन कितना है 3 गुने एक्स वन, एक्स वन का मन कितना है माइनस एक बटे क्या होता है m प्लस n, तो m का मन कितना है 2, अब n का मन कितना है 3, तो देखो 4 × 8, अब प्लस माइनस क्या जगह माइनस, 3 × 3, फिर देखो 2 × 3 = 5, अब देखो बाबू ध्यान दो 8 में से 3 हटेगा 5, 5/5 बराबर क्या होगा 1, तो x का जो मान निकल गया, x का मान क्या निकल गया 1, अब चलो y बराबर जो होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन होता है ना, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन, तो y बराबर m का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है, देखो ये -3 है, -3 हो गया, प्लस n इंटू वाई वन, एन का वैल्यू कितना है 3 इंटू वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना है 7 बाई एम प्लस एन, यानी 2 + 3, तो अब यहाँ देखो 3 × 2 = 6, तो y बराबर -6 हो गया, फिर देखो 7 × 21 बटे कितना हो गया 3 × 2 = 5, अब यहाँ पे देखो y बराबर 21 में से 6 घटेगा क्या बचेगा 15, अब बटे क्या है 5, 5 × 3 = 15, तो y बराबर कितना हो गया 3, अतः ध्यान दो x और y जो बिंदु हुआ यानी क्या हुआ, x का मान 1 आया और 1 कितना y का मान 3, तो यही आपका अंतर विभाजन जो कर रहा है 2:3 में वो 1 और 3 पर कट रहा है। तो बताएं सभी स्टूडेंट समझ में आई, देखिएगा कह रहा है कि सिद्ध करें कि cot थीटा माइनस cos थीटा बटे cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर cosec थीटा माइनस वन बटे cosec थीटा प्लस वन, ये साबित करना, ठीक ना। देखिए cot थीटा माइनस cos थीटा बटे cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर साबित करना है cosec थीटा माइनस वन बटे cosec थीटा प्लस वन साबित करना है। तो देखो बाबू सबसे पहले LHS ले लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख ले सही लिखे है ना, हाँ सही है क्वेश्चन, LHS बराबर है cot थीटा माइनस cos थीटा बटे RHS बराबर है बाबू cot थीटा प्लस cos थीटा, ठीक। अब देखो cot को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, अब माइनस क्या है 1, फिर देखो बाबू बटे cot थीटा को यहां पे लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, फिर देखो प्लस क्या है cos थीटा प्लस cos थीटा कर दिए, ठीक। अब देखो बाबू नहीं कुछ यहां पे भी प्लस माइनस cos थीटा, सॉरी यहां पे माइनस cos थीटा है, अब यहां पे देखा जाए बाबू नहीं कुछ तो यहां पे क्या है 1, नहीं कुछ तो यहां पे क्या है बाबू 1 है, तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहां से cos और cos को कॉमन ले लीजिए, देखिए cos और sin थीटा और एक LCM कितना हो जाएगा sin थीटा, ठीक ना, अब ये sin गुना हो जाएगा इसके साथ, तो देखो cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, इंटू क्या हो जाएगा ये गुना हो जाएगा इसके साथ बटे, देखो दिखाई देना चाहिए, फिर sin थीटा और एक कैल्शियम लो क्या हो जाएगा sin थीटा, ध्यान देना बाबू, फिर देखो ये sin थीटा गुना हो जाएगा इसके साथ, तो cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, अब देखो बाबू ये sin थीटा ये sin थीटा कट गया, तो यहां से देखो cos और cos, यहां से cos कॉमन आ रहा है,
तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, क्या बच गया? देखो वन माइनस साइन थीटा बच गया, वन माइनस साइन थीटा बटे, फिर देखो यहां से भी कॉस थीटा और यहां से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो यहां बच गया वन प्लस, क्या बच गया? कॉस थीटा वन प्लस, देखो कॉस थीटा कॉमन ले तो वन प्लस साइन थीटा बच गया। तो अब यहां देखो बाबू, ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया मेरा वन माइनस साइन थीटा, अब बटे क्या बच गया? वन प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें बाबू? बताओ कोई प्रॉब्लम? अब क्या करते हैं, अंश तथा हर में, इसमें अंश तथा हर में, हर में साइन थीटा से भाग देने पर, अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर, किससे भाग दे देंगे अंश तथा हर में? साइन थीटा से। तो यहां देखो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो वन माइनस साइन थीटा बटे भागा दे दिए साइन थीटा से, फिर देखो बाबू बटे वन प्लस साइन थीटा को भाग दे दिए साइन थीटा से, किसे भाग दे दिए? साइन थीटा से। अब देखो बाबू ध्यान देना, इधर लिख लेते हैं, अब तुम ही बताओ कि चार प्लस पांच बटे तीन रहे तो हम लिख सकते हैं चार बटे तीन प्लस पांच बटे तीन, फिर तो तीन तीन का लघुत्तम उतने होगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हम लिख रहे हैं। अब देखो अंश तथा हर में साइन थीटा भाग दिए, तो अब क्या होगा? वन बटे साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा होगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा होगा, फिर देखो बटे, फिर देखो साइन और साइन का लगो तुम लगे वही हो जाएगा, फिर देखो बाबू यहां पर वन बटे साइन थीटा प्लस क्या है? साइन थीटा बटे साइन थीटा। अब यहां देखो बाबू ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कट गया, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कट गया, यहां बच गया वन बटे साइन थीटा, तो वन बटे साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। वन बटे साइन को क्या लिख सकते हैं बाबू? कॉसेक। तो ये कॉसेक थीटा हो गया, अब यह कट गया तो क्या बच गया? वन माइनस वन। वन बटे साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। ये कॉसेक थीटा, अब ये क्या हो गया? प्लस वन। तो यही तो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? यानी cos cot थीटा माइनस cos थीटा बटे cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर सिद्ध करना था sec थीटा माइनस 1 बटे cos sec थीटा प्लस 1। तो देखो सिद्ध हो गया ना, प्रूव्ड हो गया ना, इस मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स,